हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गाइस, वही मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, बट ये बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि वही मैसेज बार बार रिपीट होंगे। गाइस, टाइम स्टडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपसे एनर्जी, ये रीडिंग मैच होनी चाहिए। जर्नल रीडिंग है, आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। लेट्स सी अगेन, मैं इनको निकालने वाली हूँ ताकि कोई मैसेज फिर से रिपीट ना हो, हम सारे मैसेज कवर कर सकें। सारे मतलब एक मैसेज बार बार रिपीट ना हो। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज हमें मिला है गुड न्यूज़। वाओ, पहला ही मैसेज देखो कितना पॉजिटिव। आप बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हैं। ओके, और अगर हम अपने आपके पार्टनर की तरफ से देख रहे हैं ये मैसेज आपके लिए, दैट मीन्स आपके पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। ओके, क्राइंग। सो एक सेकेंड गाइस, आपको मैसेज साफ दिख रहे हैं। क्राइंग, आपके पार्टनर रोते हैं आपके लिए, इनफैक्ट रो रहे हैं। नेक्स्ट 555। वाओ, पॉजिटिव चेंजेस गाइज, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। गुड न्यूज़ आने वाली है, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव चेंजेस। नेक्स्ट है यू आर माई ट्रू लव। कितने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं ना, नहीं आने भी चाहिए, मुझे इश्यू नहीं है इससे कि पॉजिटिव आ रहे हैं, नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने पॉजिटिव आ रहे हैं ना। सो आपकी आप अपने पार्टनर के ट्रू लव हैं, इनको एहसास हो चुका है। अगर पास्ट भी नहीं था तो अभी हो चुका है। हाउ कैन यू लव मी सो मच, इनको ये एहसास हो चुका है कि आप इनके ट्रू लव हैं। इनको एहसास हो चुका है कि आपने आप इनसे कितना प्यार करते हैं। सो इनको एहसास हो चुका है, बट स्टिल आपको पेशेंस रखना है। हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है इस कनेक्शन में, अभी पेशेंस और रिक्वायर्ड है, ठीक है। पेशेंस रखें, इतना वेट किया है, थोड़े दिन और सही। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है गाइज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस वक्त। आपको देखिए, ये हमेशा आपके साथ है, ह्यूमैनिटी। सो आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है अभी कुछ दिनों से लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू। सो आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। बट ईगो नहीं छोड़ेंगे, ईगो आया है। सो ईगो की वजह से मे बी ये अभी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो इनको अपना ईगो भी तो मेंटेन करके चलना है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। टॉर्चर, अगर इन केस आपके बीच थर्ड पार्टी है, सो ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के बीच। ओके, अनकंडीशनल लव, आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है। हो सकता है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आई हैव ए ह्यूज क्रश ऑन यू, आपके पार्टनर का क्रश है आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि प्यार आपसे करते हैं क्रश किसी और पे, नहीं, क्रश भी आप ही है। इट्स सो पैनिक, बट ये बहुत ज़्यादा इनके लिए पैनिक हो चुकी है सिचुएशन एट परसेंट टाइम। आपका इनसे दूर जाना बहुत ज़्यादा पैनिक फील करवा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा पेन में है। ट्रू लव है तो पेन तो होगा। थर्ड पार्टी एंडिंग सून, वाओ, थर्ड पार्टी एंडिंग सून। आपके दोनों के बीच अगर थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील कर रहे थे, अभी आप दोनों के बीच से हटने वाली है बहुत जल्द। Within months, मंथ लग जाएंगे, ठीक है, ये इस थर्ड पार्टी को निकलते निकलते, चलो मंथ लग जाए लेकिन निकल तो रही है। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। से बहुत भागे इस कनेक्शन से, बहुत भागे, थर्ड पार्टी के पास भागे, फोर्थ पार्टी के पास भागे, बट वो पीस, वो सुकून नहीं मिल पाया इनको जो आपके साथ मिलता था, इनके रूह को जो सुकून मिलता था। सो अभी ये थक चुके हैं, अभी ये नहीं भागने वाले इस कनेक्शन से और आपसे, अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है यू आर माई सोलमेट।
इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप कुछ स्पेशल हैं, आपके साथ सोल का कनेक्शन है. सो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है. देखा, कंफर्मेशन. अभी पटाखे फोड़े, किसने फोड़े पता नहीं, ये पटाखा ही था क्या, पता नहीं क्या था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया. आपको मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये लक का साइन है. वाव, लास्ट मैसेज दिन निकाला था मैंने, आप ही देखिए. आई वाना मैरिड विथ यू, आपके पार्टनर से शादी करना चाहते हैं. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हैं. गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी, बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं. सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है. अगर रेजोनेट की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मोर वीडियोस के लिए. ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, और आप बाकी वीडियोस भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके आपके सराउंडिंग में आपके दोस्त को, आपके किसी भी फ्रेंड को या किसी भी फैमिली मेम्बर को ऐसी रीडिंग्स की ज़रूरत है, तो आप इनके साथ शेयर भी कर सकते हैं. आप अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए. आज तो रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव थी, तो नेगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. फिर भी अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको साइड में कीजिए और पॉजिटिव रहिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए. जय सियाराम.